ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो सब में, तब हमारा देश विश्व का अग्रीन देश बनेगा मित्रों, और वो ही जरूरी है। और वो अग्नि प्रकट करने का काम हमारे पूज्य भाई संत जैसे करते हैं। से 8 अक्टूबर कभी कभी समय मिलता है तो संस्कार और आस्था पर योगी जी की भेजे मैं संतों महंतों को सुनती हूँ। आज हमारे बीच में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया आदरणीय श्रीमती आनंदी बहन पधारी, और आपने अपने मन के भाव रखे जो हम सभी के मन को छू गए। कितनी बड़ी उत्तम बात आपने बताई। आपका पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित रहा, और जैसे आपके श्रीमुख से हम सभी ने सुना, सापुतारा स्कूल कुछ वर्ष पूर्व आपने पूज्य भाई श्री को सौंपी थी। आज आपने वो बीज के रूप में दिया था, आज सापुतारा में वो वट वृक्ष बन गया है, और 600 से भी अधिक आदिवासी के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक बार आप सभी को भी समय मिले, जब आप सभी का गुजरात में आना हो तो बिल्कुल सूरत के समीप गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन, वहाँ पर संदीपनी विद्या संकुल के नाम से यह स्कूल चल रही है, आप सभी वहाँ पर अवश्य आइए और दर्शन करिए एक बार। हम सभी ने पूज्य भाई श्री को भक्ति पीठिका पर बैठे हुए तो देखा है, लेकिन जो शिक्षा के 3 महायज्ञ चल रहे हैं पोरबंदर में, संदीपनी विद्यानिकेतन, पूज्य भाई श्री की जन्मभूमि देवका में देवका विद्यापीठ, और सापुतारा में संदीपनी विद्या संकुल।